morning dear student, welcome to the online classes of SBPS. In this video for 6th class. In 6th class I am teaching you chapter number 13 which is of active and passive voice का दिया गया है. तो active voice में हम आपको models पढ़ा रहे थे. In the last video, जो कल का video तो उसमें मैंने आपको can का ही बताया था. Can सकता है. आज मैं could बताऊंगा. Could की हिंदी क्या होती है. Could is the past tense of modal can. जहाँ कैन का प्रेजेंट टेंस में होता है वहीं कुड का पास्ट में हो जाता है. लेकिन एक यूज और कुड का होता है. कुड इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, नम निवेदन करने से. कुड यू गिव हिम हिज पेन, क्या तुम मुझे उसका पेन दे सकते हो इस तरीके से. तो इसकी हिंदी में आएगा आपका सकता है, सकता था हो जाएगा. वही आपके चार सेंटेंस कहो कि सिंपल सेंटेंस इसमें एक्टिव रूल है. सब्जेक्ट मॉडल कुड प्लस गिवन ऑब्जेक्ट अदर सेंटेंस राम उसे आज बीट सकता था. वे तो पहला कन्वर्ट करेंगे रूल में क्या देगा सब्जेक्ट राम उसे आज पीट है. कौन पीट सकता था राम. सब्जेक्ट विल बी राम. फिर क्या कोड दिया गया कोड लिख दो. और बीवन पीट उसे की टुडे. ठीक है. इसके बाद पैसिव रूल देखो. पैसिव रूल पहला ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल कोड बी बाई सब्जेक्ट अदर वर्ड. तो यहाँ ऑब्जेक्ट दिया गया दिस इज वर्ब हिम विल बी ऑब्जेक्ट कि हिम का चेंजिंग फॉर्म आएगा कौन सा ही. कोड लिखा है तो कोड लिख दो. बी बीट की थर्ड फॉर्म इज बीटिन होती है. बीटिन बाई राम टूडे. ठीक है. नेगेटिव देखो इसका. नेगेटिव में क्या होता है एक्टिव रूल. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट फिर मॉडल कोड कोड फिर इसके बाद नॉट आ जाएगा. बी वन ऑब्जेक्ट अदर वर्ब जैसे कि राम उसे आज नहीं पीट सकता था तो सब्जेक्ट राम ऑब्जेक्ट कोड नोट लिखा. नोट लिख दो. फिर बीट टुडे इसका पैसिव रूल देखो. पैसिव रूल में ऑब्जेक्ट मॉडल कोड नोट बी बर्फी थर्ड बाई सब्जेक्ट अदर वर्ड. ऑब्जेक्ट दिया गया था बीट हिम का ही हो जाता है. कोड नो बी के थर्ड फॉर्म बीटिंग बाई राम टुडे. ठीक है. इसके बाद इंटरोगेटिव इंटरएक्टिव पैसिव वही होगा. हमने हमेशा बताते रहते हैं जैसे सिंपल लिखा तो कोड पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में. ऐसे भी इसमें राम की जगह कुड हो जाए कुड की जगह राम तो क्या हो जाएगा कुड राम. ठीक है. और बीट हिम टुडे वैसे रहेगा बीट हिम टुडे को समाप्त. ऑब्जेक्ट का भी वही सिर्फ जो बता कि कुड पहले ऑब्जेक्ट हो कहाँ जाएगा तो कुड और बी के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो पहले कुड फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा ए हिम का ही. फिर बी कॉम्पिटिटिव बाई राम टू सम्मान. सेकंड सेंटेंस आई या होमवर्क एंड आल्सो राइट सम ऑफ द सेंटेंस एंड ट्राई टू कन्वर्ट देम बोथ इनटू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. थैंक्स.